इक्विलेटरल ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। इसके पहले लेक्चर नंबर 25 में बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। वीडियो ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसको कट करना पड़ा, ठीक है। जो कांसेप्ट बचा है आपको हम इस वीडियो में दे दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दूंगा हम क्या समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का कांसेप्ट क्या होता है उसको बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है, फार्मूला क्या होता है इससे संबंधित उसको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे एक बार रिवाइज कर देते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, स्किप मत करिएगा, गारंटी देता हूँ कि समझ जरूर आएगा जब आप स्किप नहीं करेंगे। जितने वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना है, वहाँ पर जाएंगे आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा, ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, ओके। तो चलिए जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक, जैसे ये आपका है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मान लीजिए ये सब भुजाएं बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ओके, ठीक ना। जो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल से भुजा बराबर होंगी, अगर ये ए सेंटीमीटर है ए भी ए सेंटीमीटर होगा, ए भी ए सेंटीमीटर होगा, ओके, क्लियर। चलिए अगर बोले सेंटीमीटर लिख दें, चलिए दे रहा हूँ, ये भी आपका सेंटीमीटर ही है, ये भी क्या है आपका सेंटीमीटर है। अब यहाँ से जब इनके बीच कोई बिंदु, इनके बीच कोई एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूँ, या कहीं ले लीजिए आप, यहाँ पे ले लीजिए, समझा। मतलब इनके बीच एक कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु को नाम दे देता हूँ ओ, क्या देता हूँ ओ, इस बिंदु को नाम क्या है ओ। अब इस बिंदु से आपको तीनों पर क्या डालना है, लंब डाल देना है, क्या डाल देना है लंब, क्यों, क्योंकि आपको कांसेप्ट निकालना है। क्या कांसेप्ट होगा, सीजीएल के एग्जाम में इन सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तीनों भुजाओं पर लंब डाल देना है, ठीक ना, यहां से इस पर डाल देना लंब। लंब क्या होता है, जो सामने वाले भुजा से कितना कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए, वही लंब होता है। अब यहां देख रहे हैं आप कि लंब डाल दिया गया, इसका नाम दे दीजिए, आप नाम दे दीजिए इसको। अगर मान लेते हैं पी वन मान लेता हूँ, इसको पी टू मान लेता हूँ, इसको पी थ्री मान लेता हूँ, ठीक। त्रिभुज के एक अंदर एक कोई बिंदु है, एक कोई बिंदु है, ओके। अब यहाँ से क्या करना है आपको, तीनों भुजाओं पर लंब डाल दिए। अब यहाँ से कांसेप्ट क्या निकलेगा, एक बार पिछले कांसेप्ट को रिवाइज करिए। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, देखिए क्या बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे इसे समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल पहला, ठीक ना, क्षेत्रफल बताए थे आपको √3/4 × a² ए स्क्वायर मतलब भुजा है, ये हम बताए थे, इसका रिवाइज करिए। दूसरा हम बताए थे आपको, या जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, क्षेत्रफल है किसका, समबाहु त्रिभुज का होता है आपका, देखिए आप यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल h² / √3, ये भी होता है, बताए थे h क्या है, ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होती है, देखिए जैसे यही है ना, सामने वाले भुजा क्या डाल दिए लंब, इससे इस पर डाल सकते हैं, इस पर डाल सकते हैं, ओके। तो अब इसी जो ये आपका है यही h है, अब इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए इसी को हम बोल सकते हैं ऊंचाई, क्या कहते हैं ऊंचाई, हाइट, इसी को हम ऊंचाई कह सकता हूँ। और ये जो है इसको बराबर भागों में बांट देता है, इसे जो है बराबर कोणों में बांट देता है, जो समबाहु त्रिभुज की, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वह समबाहु त्रिभुज के जिस कोण से होगा उस कोण को बराबर भागों में बांट देगा, जिसे हम कोण समद्विभाजक भी कहते हैं। तो इस ऊंचाई को हम कोण समद्विभाजक भी कह सकते हैं, क्या, इसको हम कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इसी ऊंचाई को हम कोण समद्विभाजक भी कह सकते हैं।
अब देखिए ये क्या है, सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांट दिया। तो जब कोई एक भुजा किसी सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांट दे तो उसे कहते हैं माध्यिका। तो इसे आप माध्यिका भी कह सकते हो, कह सकते हो माध्यिका, ठीक है ना, इसे आप माध्यिका भी कह सकते हैं, जिसे मीडियल बोलते हैं। ऊंचाई को हाइट, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियल हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसे ये क्या है, ये देखो इस पर लंब है, लंब है और बराबर भुजा में बांट रहा है, बराबर भुजा में बांट भी रहा है, तो इसी को हम कह सकता हूँ लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। इसी को हम कह सकता हूँ क्या, लंब लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विभाजक। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाइट हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पिछले वीडियो में यह सब बताया गया, ठीक ना। ये ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल ये भी होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछे आप ये बताएंगे, रूट तीन बटे चार गुणे भुजा स्क्वायर, और या देखो हाइट का स्क्वायर बटे रूट तीन, ठीक। और आपको पता है कि क्या तीसरा, हाइट एच बराबर, एच बराबर बताए थे, ठीक ना। यहाँ एच बराबर होता है क्या, रूट तीन बटे दो इंटू भुजा स्क्वायर, फिर भुजा स्क्वायर नहीं, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। ये हाइट होता है, ये हाइट होता है। और आपको चौथा बताए थे परिमाप, परिमाप, परिमाप तो वही होता है, तीन गुणे भुजा, तीन गुणे भुजा, ठीक। और पांचवा क्या है, पांचवा बताए थे इन रेडियस, क्या इन रेडियस, तो इन रेडियस होता है देखिए स्मॉल आर, इन रेडियस समबाहु त्रिभुज का ए अपान टू रूट थ्री। और छठवा बताए थे आपको हम, छठवा सर्कम रेडियस परवृत्त त्रिज्या, इन रेडियस मतलब अंतर्वृत्त त्रिज्या और सर्कम रेडियस मतलब परवृत्त त्रिज्या, कैपिटल आर बराबर बताए थे ए अपान रूट थ्री, ठीक ना। सातवां आप बताए थे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का रेशियो एक अनुपात दो होता है, ये हमेशा, ठीक ना, ऑलवेज। ये चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, ठीक। और ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ भी हम बताए, नहीं बताए ना, चलो देख लो ये कैसे आया, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। बताइए सम जो समबाहु त्रिभुज होता है प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, 60 है ना, तो अगर ये 60 60 अंश के हैं, जितने कोण 60 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब ये क्षेत्र, ये फार्मूला कैसा है, इसका प्रूफ कर रहा हूँ मैं। देखो होता है जब किसी त्रिभुज की दो कोण दिया हो, ठीक ना, और बीच वाली भुजा दिया हो, या दो बीच वाली भुजा दिया हो, बीच वाला कोण दिया हो, जब किसी, ये बता चुका हूँ मैं, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं दी गई हो, बीच वाला कोण दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टे दो, एक बट्टे दो गुणे दोनों भुजाएं और साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा 60 अंश है। अब बताओ एक बट्टे दो गुणे ए स्क्वायर, साइन 60 मान होता है, साइन 60 मान होता है रूट तीन बट्टे दो, रूट तीन बट्टे दो। अब बताइए दो दूनी चार, चार आया कि नहीं, अब ये क्या है रूट तीन गुणे एक, तो रूट तीन हो गया और ए स्क्वायर पीछे हो गया, इससे प्रूफ हुआ है, इससे प्रूफ हुआ, ये फार्मूला आया है। अभी इसको हम प्रूफ कर देता हूँ कैसे होगा, ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें और ये सब, ये भी प्रूफ करूँगा, सब प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए ये था पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक इतना 25 मिनट जो भी 26 मिनट का है, लेकिन बहुत क्लियर है, ये चीज़ बता चुके थे, ठीक।